सिम कार्ड में इनलाइंस का क्या पर्पज है? क्रिकेट ग्राउंड में इतने सारे पिचेस क्यों? स्मार्टफोन के और हमारे ए लिखने में अंतर क्यों है? और पेड़ों पर ये आधा व्हाइट पेंट लगाने का क्या राज है? अब ऐसे कमाल के राज को खोलने के लिए हमने बनाई है फन इंटरेस्टिंग थिंग्स विद पर्पज की सीरीज, जिसके 10वें पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हो सके तो अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद वो ब्लोन होने वाला है। यार, हम सभी बचपन से ABCD सीखते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि हम A को दो तरीकों से क्यों लिखते हैं? स्मार्टफोन कंप्यूटर बुक्स में हम ऐसे को देखते आ रहे हैं, लेकिन टीचर से हम ऐसे सीखते आ रहे हैं। ये A के डबल रोल का क्या झोल है भाई? तो दरअसल A लेटर को ग्रीक के बुल्स हेड के सिंबल के मॉडिफिकेशन के बाद बनाया गया था। और अगर मैं रियल A के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो वो ये स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर वाला ही होता है, लेकिन ये कंप्यूटर वाले लिखने में ज्यादा टाइम लेता है। और इसी टाइम को बचाने के लिए हम रनिंग हैंड में इस छोटे वाले A को लिखते हैं। इस इमेज में आप A के पूरे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देख सकते हो। आप देख सकते हो कि कैसे राइट वाला रियल है, कैसे आपके छोटे वाले में बदल चुका है। यारो, आज तक आपने बहुत बार लिपाई पोताई वाला काम देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी इन पेड़ों की लिपाई पोताई पर गौर किया है? अनलाइक घरों की सजावट की तरह, ये पेड़ों की सजावट के लिए यूज नहीं किया जाता है, बल्कि इनके एक नहीं अनेक पर्पजेज हैं। पहली बात तो इनका ये रेड एंड व्हाइट कलर ये बताते हैं कि ये पेड़ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोटेक्शन में है। और दूसरे ये कि इनको रात में विजिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि देर अंधेरी रात में व्हाइट कलर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए आपने रोड पर भी इन व्हाइट पट्टों को देखा होगा। अब भाई, अगर इतना ही फायदा है तो इन पेड़ों को आधा क्यों, पूरा रंग दो। छोटे, तेरी बात में तो पॉइंट है, बट इस आधे पेंट का भी एक स्पेशल पर्पज है कि अक्सर पेड़ों को खराब करने वाले पेस्ट एंड टर्माइट्स पेड़ों के नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं, और इसलिए इन्हें आधा पेंट करके कीड़ों को उल्टा पांव लौटा दिया जाता है। गाइज, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप परफ्यूम को बॉडी के किस पार्ट में लगाते हो, तो मुझे पता है आप सभी का जवाब या तो नेक होगा या रिस्ट होगा, या फिर अगर मेरी ही तरह कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो तो अंडर आर्म भी बोल सकते हो। लेकिन आखिर यहीं पर क्यों? बॉडी के और भी कई पार्ट्स हैं, लेकिन वहां पर क्यों नहीं? दरअसल अभी मैंने जिस भी बॉडी पार्ट का नाम लिया ना, ये बॉडी के पल्स पॉइंट होते हैं, और यहां पर टेंपरेचर काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स। अब इन बॉडी पार्ट्स पर परफ्यूम को लगाने से परफ्यूम कंटिन्यूअसली बॉडी के हीट के साथ मिलकर अपने फ्रेग्रेंस को चारों तरफ फैलाती रहती है। भाई, इस पर्पस से तो ये बात साफ साफ क्लियर हो जाती है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उसका भी बिल्कुल अलग रीजन हो सकता है। यार, अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप भी उस सिचुएशन से तो जरूर ही वाकिफ होंगे, जिसमें सिचुएशन के हिसाब से हर अलग अलग चीजें निकाली जाती हैं। लाइक अगर कोई हमारे घर में आम मेहमान आए, तो हम उन्हें उसी ग्लास में चाय देते हैं जिनसे हम पिया करते हैं। बट अगर कोई खास मेहमान आया, तो वो कप भी निकल जाता है जिसके हमने कभी दर्शन भी नहीं किए होते। वेल यार, ये सिचुएशन सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं, बल्कि क्रिकेट ग्राउंड में भी पाई जाती है। जैसे कि आपने गौर किया होगा कि एक ही क्रिकेट ग्राउंड में अलग अलग पिचेस होते हैं, बट मैच सिर्फ एक ही पिच पर कराया जाता है। अगर एक ही पे कराना था तो बाकी पिचेस क्यों भाई? तो देखो यारो, इन पिचेस को अलग अलग मैच के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। लाइक अगर किसी टीम को नेट प्रैक्टिस करना है, तो वो ये साइड वाले पिचेस को यूज करते हैं। वहीं अगर रणजी मैच खेला जाना है, तो इन सिंपल पिचेस का यूज किया जाता है। और यारो, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम के सबसे बेस्ट पिच का यूज किया जाता है। यार, हम सिम कार्ड को बचपन से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जानते हैं कि इन सिम कार्ड में ये लाइंस क्यों होते हैं। पहले तो मुझे भी लगता था कि ये लाइंस सिर्फ डिजाइन के काम में आते हैं, बट सेमीकंडक्टर से बनी ये लाइंस का एक बहुत ही मस्त पर्पस है। दरअसल ये लाइंस सिम को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट देते हैं, और इन सेगमेंट्स में आपके कॉन्टेक्ट तो सेफ रहते ही है, साथ ही ये एज अ एंटीना भी वर्क करता है, जिनसे कई परफेक्ट कोऑर्डिनेशन से आपका स्मार्टफोन हमेशा नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। यारो, जब एक ट्रेन चलती है तो न जाने अपने साथ कितने पर्पजेस को लेकर चलती है। अब तक के TWP के 9 एपिसोड्स में आपने न जाने ट्रेन के कितनी स्पेशल पर्पजेस को जाना होगा। लाइक ट्रेन के ऊपर ये गोल सी चीज क्या होती है, ट्रेन के इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है। तो यारो, इसी परंपरा को जारी रखते हुए आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि रेलगाड़ी में लगे इस स्टेयरिंग व्हील का क्या काम होता है। भाई, देखने से तो यही लगता है कि घर बनाने वाली मिक्सर मशीन की ही तरह ये भी ट्रेन से सामान को निकालने के लिए यूज किया जाता होगा। लेकिन यार, ये ट्रेन का स्टेयरिंग व्हील एक्चुअल में हर एक डिब्बे का एक अपना ब्रेक होता है। अब जब ब्रेक की बात हो ही रही है, तो आज आप एक और फैक्ट जान लो कि अनलाइक कार्स, ट्रेन का कभी भी ब्रेक फेल नहीं हो सकता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेन हमेशा ब्रेक ही में होती है, और ट्रेन के पायलट्स इन ब्रेक के प्रेशर को रिलीज करके ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। और इसलिए आपने ट्रेन स्टार्ट होते समय इन ब्रेक प्रेशर के रिलीज हुए साउंड को सुना होगा। कभी तो हंस लो इन दांतों से खिल खिल कर, बुढ़ापे में यही दुख देंगे हिल हिल कर। हम हर सुबह सबसे पहले अपनी क्लोजअप वाली स्माइल के लिए ब्रश तो जरूर करते हैं, दांतों को बचाने के लिए कई मेजर्स भी लेते हैं, और ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए खाने के बाद टूथपिक का भी यूज करते हैं। अच्छा, टूथपिक के आगे वाले पार्ट को दांत को साफ करना होता है, बट इस पीछे वाले स्टाइलिश पार्ट का क्या राज है? अब इसमें कौन सा पर्पस छुपा है भाई? ये सच में कोई डिजाइन है या फिर पर्पस का कोई साइन है? वेल, अगर आप ये इमेज को देख लो तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसका मेन पर्पस क्या है। एक्चुअली ये पार्ट हाइजीन में काम आता है। देखो, आप जब भी टूथपिक का यूज करते हो, तो आप उसे वापस टेबल पर रख देते हो, जिससे टेबल तो गंदा होता ही है,
साथ में उसे दूसरा को इस्तेमाल कर ले, इसके भी काफी चांसेस होते हैं। अब अगर आप इसे तोड़कर रखोगे तो टेबल भी गंदगी से बचेगा और दूसरे को भी पता चल जाएगा कि ये यूज्ड टूथपिक है। यार जय वीरू कियारी को बाइक की सवारी और भी प्यारी बनाती है, पर यार जय वीरू कियारी अभी उतनी ही प्यारी है क्योंकि इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस ने ही बाजी मारी है। गाइस ये तो हम सभी ही जानते हैं कि डीजल पेट्रोल से भी महंगा है, लेकिन फिर भी बाइक्स एंड मोस्ट ऑफ द कार्स को डीजल के बजाय पेट्रोल वाला ही क्यों बनाया जाता है? तो देखो यारो, पेट्रोल के मुकाबले डीजल वाले इंजन में वाइब्रेशन ज्यादा होता है और साथ ही डीजल इंजन में हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से नॉइज भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अभी वाइब्रेशन एंड नॉइज हैवी व्हीकल तो हैंडल कर लेते हैं, बट वही लाइट व्हीकल नहीं कर पाते। और अगर माइलेज की बात करूं तो पेट्रोल इंजन डीजल इंजन के मुकाबले ज्यादा माइलेज भी देता है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से बाइक्स एंड मोस्ट ऑफ द कार्स पेट्रोल पर चलते हैं ना कि डीजल पर। सिलेंडर कभी हरा तो कभी देखने में लाल है, ये इनका फैशन है या सच में कोई गोलमाल है? अब यार आपने बहुत तरह के गैस सिलेंडर्स को देखा होगा, कभी लाल तो कभी ये नीला वाला, कभी हरा तो कभी ये पीला वाला। लेकिन यार क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिलेंडर्स इतने रंग बिरंगे कलर में क्यों आते हैं? इसका भी कोई पर्पस हो सकता है क्या? वेल थिंग्स विद पर्पस की वीडियो है तो पर्पस तो जरूरी होना है भाई। यार इन सिलेंडर्स को इनके नेचर के अकॉर्डिंग पेंट किया जाता है, जैसे टॉक्सिक गैस के लिए ये येलो सिलेंडर, लाइट ब्लू ऑक्सीडाइजिंग गैस के लिए और ब्राइट ग्रीन इनर्ट गैस के लिए, और फ्लेमेबल गैस के लिए हमारे ये रेड वाला। यार 66 में इस कलर वाले लॉ को पास किया गया था, जिसके बाद ही सिलेंडर के शोल्डर या पूरे ही सिलेंडर पर पेंट को लगाना स्टार्ट किया गया। यारो आज मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आपको हर शाम बेस्ट करना है तो आज से सिर्फ मैकडोनल्ड्स वाला कोक टेस्ट करना है। अब इस एडवाइस के बाद आपको लग सकता है कि मैकडोनल्ड्स के कोक में ऐसा क्या स्पेशल है जिसके लिए आपको मेरी एडवाइस लेनी पड़ रही है। अब अगर आपने मैकडोनल्ड का कोक टेस्ट किया होगा तो आपको ये तो पता ही होगा कि मैकडोनल्ड्स का कोक नॉर्मल कोक से काफी ही अलग होता है। आई मीन टेस्टी यार, मैकडोनल्ड का कोक नॉर्मल कोक से बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि मैकडोनल्ड्स नॉर्मल बॉटल की जगह अपने कोक को स्टेनलेस स्टील की बॉटल में पैक करता है, जिसे वो ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व रह पाता है। यार मैकडोनल्ड्स वाले अपने कोक के टेस्ट को बचाने के लिए अपने हर एक स्टेप को अच्छे से मैनेज करते हैं। और क्या आपको एक और मजेदार बात पता है कि कोका कोला की रेसिपी ही की तरह मैकडोनल्ड्स इसे प्रिजर्व करने की टेक्निक को भी बिल्कुल एक सीक्रेट रखा है। तो यार इतने ज्ञान प्राप्ति के बाद जीवन में हंसना भी बहुत जरूरी होता है, तो इसी हंसी के माहौल को बनाने के लिए प्रेजेंटिंग सम ऑफ द बेस्ट रैंडम मीम्स। टीचर एग्जाम कैसा गया? मी बी लाइक बस मास्टर हम तो गए मास्टर। मी एंड माय फ्रेंड स्टार्टिंग अ बिजनेस आफ्टर क्लियरिंग ऑनलाइन एग्जाम। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? व्हाई दिस कजाकिस्तानी रिपोर्टर साउंड लाइक अ डीजल इंजन? Кус-кис-кус, кір-кер-көр, күл-кел-көл, кілен қысқа сөз кім оқиды тез? Арқада алтар-қар бар, қырқада қырғар-қар бар, қырғар-қарда ағар-қар бар, алтар-қарда мар-қар-қар бар. Әбдіреде әбігер әтеш отыр, әбігер әтеш отырған әбдірені. Бай, лақта е репортер, хай компрессор ресу көзі сөз майлез не де пара әй? Бай, тұже байк чылан ата әкә? My friend be like... बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अगर आप इस वीडियो के पिछले पार्ट्स को देखना चाहते हो तो आपके लिए हैं ये दो वीडियोस। इस वीडियो में मजा आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो नीचे लाइक बटन आपका इंतजार कर रही है, और अगर ऐसे ही फन इंटरेस्टिंग कंटेंट्स देखना पसंद है तो सब्सक्राइब बटन भी आपका इंतजार कर रही है। इस वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।